विभाग द्वारा कल 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चीनी हवाला रैकेट के भंडाफोड़ को देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे एक पत्र में चीन की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए पूरे रैकेट की गहन जांच करने, जिसमें खास तौर पर यह देखने के लिए कि क्या देश में अन्य चीनी लोगों द्वारा इस तरह के और रैकेट चलाए जा रहे हैं की मांग की। इस मामले में बंधन बैंक और ICICI के बैंक शामिल होने वहित विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियों की साठ गांठ पर भी कैट ने जांच की मांग की है और दोषियों को कड़ा दंड देने तथा एक प्रकार के राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग भी की।